हाय गाइस, मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में एक रैम अपग्रेड करने वाला हूँ, एसएसडी और ग्राफिक कार्ड लगाने वाला हूँ। ये 720T है, डेस्कटॉप लेनोवा का थिंक सेंटर। चलिए देखते हैं। देखिए ये वही मॉडल है, ये 720T है। इसमें ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें एसएसडी अपग्रेड करने के लिए कोई सेपरेट जगह नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए जुगाड़ से हम लोग उसमें कहीं भी फिट कर रहे हैं। ओके, अभी भी दिखाने का वो प्रयास किए क्योंकि इसमें एसएसडी अपग्रेड करने के लिए या ये अपना ये देखिए ये रैम नहीं अपग्रेड गया, ये तो है इसका है, लैपटॉप का है। ये मैं रैम लगाने वाला हूँ इसमें, ये रैम लगाऊंगा, ये लेनोवा का ओरिजिनल रैम है। और ये मैं 480 जीबी का किंगस्टन का एसएसडी है, ये लगाऊंगा। ये आप लोग को परचेस करना पड़ेगा अलग से, इसको भी अलग से परचेस करना पड़ेगा। ये मिनी फोर पॉइंट पिन है, ये इसको बोलते हैं। हार्ड डिस्क के लिए आता है, या आप डीवीडी राइटर भी लगाएंगे तो ये वायर आपको लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क में एक ही आता है, हार्ड डिस्क में ही लगाने के लिए। इसमें डीवीडी राइटर तो है नहीं, इसके लिए ये वायर आपको परचेस करना पड़ेगा अलग से। चलिए हम लोग देखते हैं अभी। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग होते हैं अपग्रेड करने से पहले देखना चाहते हैं इसका मदरबोर्ड में पिन कहाँ कहाँ पे है, कैसे है, तो इसके लिए मैं बनाया हूँ। कभी कभी हम लोग को भी मालूम करना वक्त। ये देखिए इसका, इसमें मिनी फोर पावर पिन एक ही है सिर्फ हार्ड डिस्क में लगाने के लिए। ये देखिए हम लोग ने इसको अलग से परचेस किया है, इसमें दो ही पिन होते हैं, एक हार्ड डिस्क के लिए है और एक एसएसडी के लिए। तो इसमें ये देखिए दो पिन है, तो साटा पावर पिन दो है इसमें, तो आप डीवीडी राइटर भी लगा सकते हैं और एसएसडी भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए एसएसडी कहाँ पे लगाने का, इसका सेपरेट जगह नहीं दिया हुआ है इसका, तो इसमें दो ही स्क्रू फिट हो रहे हैं, फिर भी अच्छा अच्छे से लग जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखिए ये यहाँ पे फिट कर रहे हैं, और इसके ऊपर डीवीडी राइटर के लिए सेपरेट जगह दिया हुआ है, लेकिन एसएसडी के लिए नहीं, या और भी हार्ड डिस्क लगाने के लिए और जगह नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग एसएसडी ये जगह पे लगा रहे हैं। देखिए दो ही स्क्रू फिट होगा। देखिए मैंने अभी एसएसडी लगा दिया हूँ, ये रैम लगा दे रहा हूँ। मैंने इसमें अपडेट क्या किया है, 32 GB रैम कर दिया हूँ, 32 GB रैम, 480 SSD, 4 GB का GDDR5 ग्राफिक कार्ड लगा रहा हूँ। ये देखिए अभी मैं इसका हार्ड डिस्क का डिस्कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं विंडोज डालने के लिए विंडोज इसमें डालूंगा SSD में। ये देखिए हिलता नहीं है, बराबर दो स्क्रू पे अच्छा फिट हो गया है। ये मैं अभी
डिसकनेक्ट कर रहा हूँ हार्ड डिस्क को, और इसमें SSD को कनेक्ट करके मैं इसमें विंडोज डालने वाला हूँ SSD में। ये मैंने विंडोज गोस्ट मारा मैंने, इसके लिए 2 मिनट में ही हो गया है। ये फिर भी डॉस ही आता मशीन, तो आप विंडोज ऐसा भी डालेंगे तो ऐसा भी डालेंगे। ये देखिए मैंने अभी डाल दिया उसमें, SSD में विंडोज इंस्टॉलेशन हो गया है। अभी मैं हार्ड डिस्क को भी कनेक्ट करूंगा जो पहले से ऑलरेडी आया था हार्ड डिस्क इसके साथ में, और मैंने 480 को सी ड्राइव ही सिर्फ रखा है, उसमें पार्टीशन नहीं बनाया। और मैं अपने 1 TB हार्ड डिस्क जो ऑलरेडी आया था उसमें भी कोई चेंजेस नहीं करूंगा, सिर्फ नया पार्टीशन बना दूंगा, न्यू वॉल्यूम करके आता है, एक ही पार्टीशन रहेगा मेरा, एक हार्ड डिस्क 1 TB। ये देखिए पावर ऑन कर रहा हूँ अभी, SSD लगा दी, अभी कितना फास्ट हो गया देखिए आप, 5-6 सेकंड में ही ऑन हो जा रहा विंडोज। SSD लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। रैम आप 4GB अपग्रेड कर रहे हैं, 8GB कर रहे हैं, लेकिन SSD लगा देते तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ये देखिए अभी मेरा हार्ड डिस्क दिख नहीं रहा है, इसमें जो ऑलरेडी हार्ड डिस्क आया था वो दिख नहीं रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जिस PC पे राइट क्लिक करके मैनेज पे जाके डिस्क पार्टीशन पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है नॉट इनिशियलाइज दिखा रहा है, तो इसको हम लोग MBR में कन्वर्ट कर रहे हैं MBR। ये देखिए अभी मेरे पास एक पार्टीशन आया है वो अनलोकेटेड दिखा रहा है, तो इसको न्यू वॉल्यूम करके एक ही पार्टीशन बनाऊंगा, जितना आप बनाना चाहते हैं 1 TB में उतना बना सकते हैं आप लोग, मैं इसमें एक ही पार्टीशन बनाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं कितना आपको चाहिए, 2-3 ड्राइव 4 ड्राइव बना सकते हैं इसमें, लेकिन मैं इसमें एक ही बना रहा हूँ अभी। ये मेरा पार्टीशन हो गया, ये देखिए मेरा एक 480 का एक SSD दिख रहा है और 1 TB का हार्ड डिस्क। ये देखिए ये मैं GeForce GTX मॉडल है 1050, इसको मैं लगाने वाला हूँ। ये 4GB है, 4GB ग्राफिक कार्ड है GDDR5, इसको मैं लगाने वाला हूँ इसमें। गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, ये डेस्कटॉप को भी यूज कर सकते हैं गेमिंग के लिए। ये देखिए इसमें कितने पोर्ट दिए हैं, DVI पोर्ट है, HDMI पोर्ट है और डिस्प्ले पोर्ट है, 3 ही पोर्ट है इसमें ग्राफिक कार्ड में। और चलते हैं इसको हम लोग लगाते हैं इसमें PC में, ये ओपन कर रहे हैं, और इधर से 2 पट्टी निकालना पड़ेगा, 2 स्लॉट खाली करना पड़ेगा क्योंकि वो 2 स्लॉट में ही बना हुआ है। थोड़ा वीडियो को कट करते हैं क्योंकि कैमरा मैं ही पकड़ा हूँ, इसके लिए मैं ही बना रहा हूँ, खुद ही लगा रहा हूँ इसको, इसके लिए कैमरा कट करके इसको ये पट्टी 2 पट्टी यहाँ से निकालेंगे 2 स्लॉट, फिर ग्राफिक कार्ड लगाएंगे।
ये देखिए ग्राफिक कार्ड लगा दिया मैं, वो लग नहीं रहा था ग्राफिक कार्ड एक हाथ से, इसके लिए मैंने थोड़ा वीडियो कट किया है रख के, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये ग्राफिक कार्ड लगा दिया मैंने, ये देखिए मैंने 32 GB रैम किया है अभी, मैंने गेमिंग के लिए बना रहा था, बहुत अच्छा ये डेस्कटॉप बन गया है।